गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं नीलम शर्मा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये काली मिर्च है और इसे हमने दो दिन पहले भिंगोया था। तो आज इसको हम ग्रो करेंगे और भी इसका क्या यूज करेंगे हम, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम इसको फ्रेंड्स इसमें छान लेते हैं, जिससे कि हमारा काली मिर्च, ये देखिए। तो इतने काली मिर्च को हम आज ग्रो करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए हम देखते हैं। और ये काली मिर्च का जो पानी है फ्रेंड्स, इसका अभी हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। तो चलिए हम इसको ग्रो करते हैं काली मिर्च को फ्रेंड्स। और ये मैं पहली बार ही ग्रो कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए हम इसको एक एक करके डाल देते हैं, ऐसे मिट्टी में दबा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले हम सारे को डाल लेते हैं ऐसे, और उसके बाद हम एक एक करके इसको मिट्टी में दबा देंगे फ्रेंड्स ऐसे। और पहली बार ही मैं इसको ग्रो कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ भी नया नया करना हम गार्डनर को बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो सारे के सारे इसमें हम मिट्टी में दबा देंगे। और ये हमारी जो मिट्टी है फ्रेंड्स, इसमें सैंड का मात्रा जो है ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। तो इसको हम थोड़ी थोड़ी दूरी पे दबा देंगे फ्रेंड्स। तो देखते हैं, पहली बार ही मैं इसे ग्रो कर रही हूँ और देखना चाहती हूँ मैं हर चीज़ को फ्रेंड्स, कि नए नए चीज़ का मैं एक्सपेरिमेंट अपने गार्डनिंग में करती रहती हूँ, और आप सभी दोस्त भी इसी तरीके से करते रहें फ्रेंड्स। और इस तरीके से देखिए हम इसे कवर कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से इसे हम कवर कर देंगे फ्रेंड्स। तो देखते हैं कि कितने दिन में ये हमारा काली मिर्च ग्रो होता है, तो आगे का अपडेट हम आपको देंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, और अब हम देख लेते हैं कि इसके जो काली मिर्च का पानी है, ये देखिए, इसका क्या करना है। तो इसका हम फ्रेंड्स स्प्रे करेंगे अपने प्लांट में। ये देखिए, तो हम अपने पानी में, ये 2 लीटर का बॉटल है तो इसी में हम डाल देते हैं। तो इसका हम अभी इसमें हम और मिलाएंगे। तो ये देखिए काली मिर्च भी है, तो इसका भी हम फर्टिलाइज़र बना लेते हैं अपने प्लांट्स के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये स्पून बड़ा है तो इसमें करीब 1/4 था काली मिर्च का पाउडर, और इसे हमने मिला दिया है फ्रेंड्स। ये देखिए, तो इसे अगर हम 24 आवर्स पहले मिलाएंगे तो और ही ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे प्लांट्स के लिए, क्योंकि इसकी सारी जितने भी इसमें इसका तत्व रहते हैं वो सब पानी में हमारे आ जाएंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, तो अब इसको हम छान लेते हैं फ्रेंड्स थोड़ा सा मिक्स करने के बाद, या तो फिर ऐसे भी डाल सकते हैं। ये देखिए, लेकिन हम स्प्रे बॉटल में इसको भी डालेंगे और अपने प्लांट स्पेस को हम स्प्रे करेंगे गुड़हल के प्लांट पे, जिस प्लांट पे हमारे कीड़े लगे हैं फ्रेंड्स, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड है, फंगिसाइड है। तो ये होममेड फर्टिलाइज़र हमारा फ्रेंड्स बहुत ही कारगर है हमारे प्लांट्स के लिए। और काली मिर्च तो आप सभी को पता ही है। ये देखिए, तो इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम फिर से पानी में अभी डाल देंगे। तो ये देखिए, जो काली मिर्च को हमने ग्रो करने के लिए भिगोया था, इसका भी पानी इसी तरीके से था, और ये उससे भी अच्छा है। तो ये देखिए, हमने डाल दिया और इसे भी हम डाल देंगे इसमें अभी। और अब इसका हम स्प्रे बॉटल बंद कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, और जिस भी गुड़हल के प्लांट में कीड़े लग रहे हैं आपके, उस पर हम इसको स्प्रे कर देंगे। ये देखिए, ये वही क्रिसेंथिमम है जिसका एक ब्रांच हमने लगाया था, और मैंने आपको बताया भी था कि मैं इसको पिंचिंग कर करके घना करूँगी। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट सामने ही है। और ये देखिए चना है, तो इसमें भी हम डाल देते हैं। सभी पे स्प्रे हम कर देंगे फ्रेंड्स इस काली मिर्च के फर्टिलाइज़र का। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, इससे हमारे सभी प्लांट्स हेल्दी भी रहेंगे और कोई भी इस पर कीड़ों का अटैक नहीं होगा। तो इसका यूज आप ज़रूर करें अपने सभी प्लांट्स पे।
तो देखिए जितने भी हमारे गुड़हल के प्लांट्स हैं सभी पे हम डाल देंगे। और ये देखिए कितना अच्छा से फ्लावरिंग भी कर रहा है। इस प्लांट पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये देखिए कीड़े का अटैक भी है, आप देख सकते हैं। तो इस पर हमें बहुत अच्छे से करना है। और इस पर हमने एक दिन नीम ऑयल का भी स्प्रे किया था, लेकिन आज मैं इसका कर रही हूँ। ये देखिए कली भी गिर गया इसका, क्योंकि ये प्लांट कमज़ोर है फ्रेंड्स। तो इसमें हमें हेल्दी फर्टिलाइज़र को देना पड़ेगा। और ये देखिए ये भी गुड़हल का है, तो हमारे पास जितने भी गुड़हल हैं हम सब में दे देंगे इस फर्टिलाइज़र को, इस पेस्टिसाइड को फ्रेंड्स, फंगीसाइड को। तो देखिए, तो आज मैंने सोचा कि चलिए हम काली मिर्च को लगाते हैं और उसका वीडियो बनाते हैं फ्रेंड्स। इधर भी एक गुड़हल है, इस पे कीड़े तो नहीं है, लेकिन सब में हम डाल देंगे फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमारे पास जितने भी गुड़हल हैं हम सब में डालेंगे, और उसके बाद और हम बाकी प्लांट पे भी कर देंगे। और देखिए सारे प्लांट्स कितने हेल्दी भी हैं, लेकिन अभी सभी पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है फ्रेंड्स इतने ठंड में। तो ये काली मिर्च का, दालचीनी का फ्रेंड्स आप 15 दिन पे अपने प्लांट्स पे स्प्रे करते रहें फ्रेंड्स। ये भी गुड़हल का है फ्रेंड्स, ये देखिए। तो ये स्प्रे बॉटल भी बहुत अच्छा है, तो मैंने भी इसे अभी ही लिया है फ्रेंड्स। और इसके पहले वाला जो मेरा था उतना अच्छा नहीं था, तो इससे बहुत ही अच्छे से स्प्रे हो जाता है, आप देख सकते हैं। ये देखिए तो थोड़ा थोड़ा करके ही आप डालें, लेकिन अभी अपने सभी प्लांट्स पर डालें फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स 3-4 दिन से ये खिला हुआ है, ये गुड़हल का फ्लावर। ये देखिए इस पर कोई भी कीड़े का अटैक नहीं है, लेकिन इस पर भी हम कर दे रहे हैं फ्रेंड्स, इन सब पे नहीं है फ्रेंड्स। और ये देसी गुड़हल है, कटिंग से लगा हुआ है, इस पर भी हम कर देते हैं। तो नीम ऑयल का तो आप स्प्रे हमेशा ही करते हैं फ्रेंड्स, लेकिन इसका भी करके आप देखें। और ये देखिए गुड़हल अभी बहुत छोटा है, इस पर भी कर देते हैं। दालचीनी और काली मिर्च, लहसुन अदरक का, इन सब का फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड बनता है हमारे प्लांट्स के लिए, आप देख सकते हैं। इसी पर कीड़े का अटैक है और किसी पे नहीं है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो इस पर हम फिर से दोबारा भी करेंगे इसे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। आज का मेरा ये काली मिर्च का फर्टिलाइज़र जो है, और जो हमने काली मिर्च का
सीड को लगाया है। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और पहली बार है मेरे चैनल पे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग। इस तरीके से हम मैरी गोल्ड पे भी कर देंगे, इससे भी थोड़ा अटैक हो रहा है, तो आप अपने सभी प्लांट्स पे कर दीजिए फ्रेंड्स। बाय बाय।